छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में एक युवक ने अनजान युवक के साथ दोस्ती की। फ्रेंडशिप होते ही दोनों ने रात के अंधेरे में मोबाइल में टॉर्च जलाकर साथ बैठकर दारू पी। जिसके साथ दोस्ती की वह युवक शराब के नशे में दूसरे युवक का फोन लेकर भागने की कोशिश करने लगा। इतने में गुस्से में भाग रहे युवक के सर पर लाठी से वार कर दिया। जब वह बेहोश होकर नीचे गिरा तो उसके प्राइवेट पार्क पर भी अटैक किया, जिसके बाद घायल की पैंट उतार कर उसका गला घोट दिया गया। वारदात के 7 दिन बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला जिले के बोधघाट थाना क्षेत्र का है। मृत युवक का नाम देवो नंदो बजरंगी है, जो जगदलपुर का ही रहने वाला था। 5 फरवरी को करकापाल के मुर्गा बाजार में इसकी लाश मिली थी। इलाके के लोगों ने शव देखकर पुलिस को जानकारी दी थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब मामले की जांच शुरू की तो पता चला कि इलाके के एक युवक राजेश पुनेम को इसके साथ देखा गया था। पुलिस ने राजेश का पता लगाया, फिर उसे हिरासत में लिया गया। पूछताछ में युवक ने हत्या का सारा राज खोल दिया। इसने पुलिस को बताया कि 5 फरवरी को करकापाल के मुर्गा बाजार गया हुआ था। मुर्गा लड़ाई में दांव भी लगाया, सारे पैसे हार गया था, जिसके बाद शाम तक वहीं बैठा रहा। जब बाजार खाली हुआ तो एक अनजान युवक बाजार में पहुंचा, फिर उसने उस युवक के साथ बातचीत की तो उसने अपना नाम देवोनंदो बजरंगी बताया, जिसके बाद उससे दोस्ती कर ली। फिर कहीं से दोनों ने शराब की व्यवस्था की और रात के अंधेरे में टॉर्च जलाकर साथ बैठकर दारू पी। बने जिला प्रमुख व ब्लॉक प्रमुख रिपोर्टर और पाए मौका प्रदेश की सबसे बड़ी न्यूज चैनल छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज के साथ जुड़ने का। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।